गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं लखनऊ की रत्ना में स्वागत है। तो गाइज इस समय मैं तैयार हूँ बिल्कुल। आज मैंने साड़ी पहन रखी। एक्चुअली मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, जो मेरी बड़ी वाली सासू माँ है, मतलब मेरी मम्मी की जिठानी। तो उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो गाइज मैं उन्हीं को देखने के लिए जा रही हूँ। तो वो है मेरा ससुराल, इसलिए आज मैंने पहनी है साड़ी, नहीं अदरवाइज मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। तो गाइज चलिए मिलते हैं आपसे वहीं पे। ठीक है। तो गाइस आज मैंने पहनी है साड़ी। वैसे गाइस मैं साड़ी कम पहनती हूँ, पर आज मैंने पहनी है। एक्चुअली आज मैं ना अपने ससुराल जा रही हूँ, तो ससुराल में सूट पहन के नहीं जाते हैं, तो गाइस आज मैंने साड़ी पहनी है। मैंने सब्जी पराठे बना के रख दी है, तुम लोग खा लेना, ठीक है? 4 बजे तक आ जाएंगे। गाइज मैं अपनी जिठानी जी के यहाँ आ चुकी हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है उनका घर, और बस मैं आ गई हूँ यहाँ पे। गाइज ये है मेरी सासू माँ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्हीं को मैं देखने आई थी। बहुत इनकी क्रिटिकल सिचुएशन है, देखिए इनकी नली पड़ी हुई है, बस इसी नली से प्रोटीन पाउडर पड़ जाता है। बस भगवान जल्दी से ठीक हो जाएं। तो गाइस भाभी जो है वो ऊपर रहती हैं, तो चलिए चलते हैं ऊपर। गाइस ये है मेरी प्यारी भाभी और जिठानी जी, बहुत ही प्यारी है। तो क्या हुआ, आपकी सुंदरता ऐसी दिख रही है। हेलो। तो गाइस ये बहुत प्यारी हैं। आज बहुत दिन में मैं यहाँ पे आई हूँ, बहुत दिन से मैं कोशिश कर रही थी लेकिन मैं आ नहीं पा रही थी। चलो आओ चाय पियो सब लोग। बिल्कुल। हाँ वही तो बता, सही बात है, बड़ा मतलब हम कहा ना, हम कहा अच्छा ऊपर जा रहे ना, वही आई थे तो ऐसे करें सर वो करें। चलो आज बबली दीदी आ जाएंगी तो थोड़ा आराम हो जाएगा ना, तब बनाना खूब आराम से। अरे हम शाम तक कहाँ रुकेंगे, और क्या अभी थोड़ी देर तो के लिए है ना, नहीं छुट्टी तो है। नाश्ता वास्ता बनाया है थे, वही बच्चों से कहा हमने का अपना खा पी लेना, सब्जी पराठा बना के रखे थे। चाय बन गया तो? अच्छा चाय नहीं बना रहे, व्लॉग व्लॉग बना रहे हैं। हल्की सी चीनी डाले, चाय ले चले, चाय ले चले क्या? चलो चलो। तो गाइस ये भाभी का कमरा, एक लाइट और है ऑन कर दो। तो ये हैं बड़े वाले भैया भाभी के बेटे। लाइक एंड सब्सक्राइब। ओह थैंक्स। सुबह उठे जल्दी, खुल गए देखने लगे, भैया देखते होंगे। हैं हेलो, आओ बैठो। थैंक यू, मेरा व्यूज बढ़ जाता है।
रोटी बन जाए तो फिर लगा देंगे, है ना। हम लोग तो खैर वैसे भी नाश्ता करके आए हैं। जब कोई आएंगे कह रहे थे तेरे ही में आई थी, तब से फिर आप कहाँ आई, तो एक बार घूम जाओ करके वही से बताना सुबह से ही, फिर तुम्हारे लिए बढ़िया रेडी से बना के रखेंगे। मम्मी जाना सही से जाना होगा, एंटी ब्लॉक जाते ही बना जाते सही बात है, बड़ा सा तंग रहे ना, नहीं तो सबको देखेगा मम्मी चूतिया। नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, जिठानी जिठानी होती है, ऐसा कुछ नहीं। दीदी कभी पड़ा था मुंबई वाली दीदी, हाँ हाँ उसी कांति दीदी आई थी ना तब भी बनाया था। तो क्या हो गया भाभी, तो गाइस भाभी ने हमारी खाना लगा दिया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए खाना हम लोगों का लग गया है। चलो भाई तुमको यहाँ हम लोग और कहीं बैठ जाएंगे, है ना, यही है बैठो। कहाँ लोग अंदर रहेंगे? अरे तो जमीन में ही बैठ जाएंगे ना भाभी, जमीन में कहीं बैठेंगे भाई। एक लगा दो कुछ, भैया खा चुके, खा चुके, जाओ प्लेट उठा लो, नहीं लेंगे फालतू में रखी रहेगी। भाभी गैस बंद करो, गैस बंद करो, उठा लो उठा लो उठा लो। नहीं नहीं बता भाभी, हम जानते हैं ना इससे ज्यादा वो नहीं खाते दोपहर में। अब साइड क्या है, हाँ सुनो बंद करो भाभी, गैस बंद करो, चलो ये बंद करो, छोटू ले जाओ दो रोटी, ये ले लो। हाँ भैया तुम ले लो, लो छोटू ले लो, ले लो। कि हम आ रहे हैं जो इतनी सब्जी बनाई, वो आ रहे थे ना। अच्छा दीदी और मौसी के यहाँ। अच्छा अच्छा देखो उससे पहले हम टपक पड़े हमारी किस्मत में रोटी दाल लिखा था इसलिए हम आ गए। वो लोग देखो आते लेट में निकली ना, हाँ में तो जो भी कुछ हो दो रोटी सब्जी बस उतने में हो जाता है। छोटू बहना लेके, हाँ छोटू ऊपर गया। तो गाइस अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर मैं आपको ऊपर भी ले चलूंगी, भाभी का घर दिखाऊंगी, बहुत सुंदर घर है भाभी का। तो खाना हो जाता है फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस चलिए अभी चलते हैं ऊपर, हम लोग खाएंगे ऊपर खाना। आ रही हूँ आ रही हूँ। धीरे धीरे चढ़ी क्योंकि साड़ी पहन रखी है ना, इसलिए धीरे धीरे चढ़ेंगे। मिट्टी मर गए, हम कहीं मिट्टी ले और थोड़ा सा प्याज बो दे। अच्छा कहाँ पे बोगी, ऊपर तसले में। अच्छा तो उगाता भाभी, अच्छा एक कमरा ये है भाभी का, यहाँ बेड पड़ा हुआ है मेरा। नहीं नहीं है उजाला है काफी है, चलिए खाते हैं। हमारा हो गया है, अब चलते हैं नीचे, हम लोग ऊपर आए थे यहाँ धूप में बैठ के खाना खाने, तब नीचे चलते हैं। है भाभी हाँ बंद था, ऐसे खुला खुला अच्छा भी लगता है धूप। उनको बुला लो दीदी को, है ना, उनसे भी मिल लेंगे और क्या, थोड़ा उनसे मुलाकात हो जाएगी। गाइस यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, सामने की धूप आ रही, भाभी का घर इतनी अच्छी जगह पे एकदम सामने की धूप आती है। सही बात भाई, बहुत सेवा करती हो, बहुत भाभी आपको काम पड़ता है, पूरे दिन वही काम में लगी रहती हो। चलो अरे हमने कहा आए थे तो मिलने नहीं कौन हुआ, चलो कोई बात नहीं, वैसे यहाँ ठंडा आ रहा है ना। हाँ लेट जाओ भाभी आप थोड़ी देर, लेट जाओ, अरे तुम बैठे जाओ, हम बैठ जाओ तुम्हारे बगल में। आप लेट जाओ, ये तकिया ले लो, ले तुम ले नहीं ले, लेटो
अभी यहाँ लेटी हुई है, बेचारी बहुत थक गई, सुबह से काम में लगी हुई थी। हेलो मौसी, लो मम्मी से बात कर लो। हेलो, चला जाने ही बहुत देर होगी, दो तो बज ही रहा होगा है ना, पूछो वाला दीदी से, तीन बज रहा है, पूछो कह दो आ रही तो मिल ले। कितना टाइम लगेगा? हेलो, तो चलिए गाइस चलते हैं, दीदी का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी आई नहीं दीदी। अच्छा, वो बेटा अंकल और आंटी आई थी ना, तुम्हारा वेट कर रही थी। हाँ आ जाते तो मिल लेते। अभी तो है, कितनी देर लगी तुमको आने में? चलो आओ आओ। कहाँ पे? नहरिया। अच्छा अच्छा, चलो आ जाने दो, वही छोड़। नहीं नहीं नहीं, ब्लॉग बना रहे। बन गया। तो क्या हुआ? आज देखो मेरी देवरानी कैसे खड़ी धूप ले रही। वैसे गाइस आज भाभी के आए तो बैठ के खाना खाया, बनाना नहीं पड़ा। बिजली है, सीवर है, पानी है। ये देखो आ तो गए, बताओ कब से इंतजार हो रहा था दीदी का है? कि दीदी आ जाए तो मिल ले। हम पता बहुत देर से यहाँ पे खड़े हुए थे, तो गाइस ये आ गई है हमारी दीदी और इन्हीं का हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हेलो बुआ, हमारे फोन, मम्मी फोन मिल लेते उसमें आओगे चुतिया। हो गया, हो गया, तो क्या हो गया? अरे अरे ऐसे मत बोलो। तो भाई सब लोग आएंगे, बना रहे तो सभी लोग आएंगे। बुआ कहेंगे अरे इसीलिए लखनऊ दौड़ दौड़ के जाते। जब इतनी स्मार्ट हैं बुआ तो बिल्कुल आएंगी। और दीदी सब बढ़िया? सुनाओ। बस बढ़िया है, आज हम भी सुबह से यही आ गए, आए थे दादी को देखने के लिए। वो नहीं आई बिटिया? कौन? वो लोग घर पे हैं। अब बाइक में दीदी एक साथ कितने लोग आए, तो इसीलिए। और भैया ठीक हो? क्या नाम? छोटू। ये तो भाई भागे जा रहे हैं बिल्कुल। गोलू? हाँ। अच्छा अम्मा, अब अम्मा से बतला लो। अच्छा अच्छा, वही तो इतना बोलने वाला इंसान एकदम से जो बिल्कुल दिल पर का भी तक। सही बात है, उतनी देर हम कहे, हमने कहा कि उनको केसरी दीदी को पूछो फोन करके, तो कहे इनकी तबीयत नहीं ठीक है, बता रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सांस लेने। हाँ आपको सांस की दिक्कत ज्यादा हो जाती? नहीं सांस रुक जाता फिर सांस में दिक्कत। हाँ बैठ जाइए, बैठिए बैठ जाइए, अरे इस पे कुर्सी बैठ जाइए। अब ये है कि चप्पल उप्पल पहने रहा करिए, मोजा भी पहने रहते हैं। हाँ क्योंकि ठंड आ गई है ना। और बच्चे ठीक है? अच्छा, सब लोग को तैयार कर करके ब्लॉग बनाए, हम लोग पागल। तो भाभी आप ऐसे इतनी स्मार्ट लग रही हो कि तुमको अलग से तैयार होने की जरूरत ही नहीं। खुश रहो भैया, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ये लोग अरे खाओ खाओ खाओ। अच्छा दीदी, भाभी ऐसे ही पीली साड़ी में कितनी अच्छी लग रही, अच्छी लग रही कि नहीं? इनको कहते
से खजूर पर चढ़ाया है? नहीं खजूर पे नहीं चढ़ा, रियल में। अच्छा व्लॉग पड़ेगा तो देखना दीदी, आप व्लॉग देखती है कि नहीं देखती? देखते हो ना, अब व्लॉग पड़ेगा तब देखना। ये मेरी ननद मिठाई। ओहो देखिए गाइस, दीदी यहाँ पे मिठाई लेके आई है, सबके मुँह में पानी ना आए, बिल्कुल बहुत बढ़िया पेड़े है, बहुत बढ़िया। दीदी घर पे बनाए पेड़ पे बनाए जब यहाँ तक कोई खाता है, दादा के सामने, बहुत बढ़िया। पानी बहता है, पानी कैसे देखभाल हो रही है में, मतलब नजर बहुत दूर की तो बिल्कुल नजर मेरी कमजोर हो गई, और नजदीक में थोड़ा सा। तो ये भी तो कितने अच्छे पेड़ हैं, ले लो ले लो, अरे लो ना भाभी, आओ आप भी लो, भैया आओ ले लो पेड़, इतने अच्छे दीदी पेड़ बना के लाई है, लीजिए ना आप भी लीजिए। ये दीदी वाकई में बहुत अच्छे पेड़ है, एकदम ऐसे लग रहा है कि एकदम प्योर दूध के खोए। किलो खोए में 250 ग्राम चीनी डालेंगे, बहुत अच्छे। हम तो ये कहते हैं दीदी, आज के जमाने में बहू को पर्दा करना ही नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए है ना, बिल्कुल। अब देखो जैसे आपकी बहू आएगी, आप बिल्कुल अब हम अपने घर चलते हैं। ओके बाय भाभी, आज भाभी की बहुत सेवा वाली, दीदी से भी मिलना हो गया। बाय ओके चलो, अच्छा भाभी बाय। हाँ फिर आएंगे, हली 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 हली, ये सब आ गए, चलो अच्छा अच्छा ओके बाय। तो गाइज आज आपने देखा कि मैं अपनी दादी सास को देखने गई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी वो ठीक हो जाएं, बस यही कामना है। तो गाइज अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज एक लाइक करिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं गाइज आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।